इस तरह महागौरी की कथा पूरी हुई। अब अगली कथा अर्थात नौ दुर्गा की कथा हम कल सुनेंगे। चलिए आरती करते हैं। कल्याणकारी है माँ माता कल्याणकारी हो माँ माता कल्याणकारी माँ, जिस तरह से आपने शिव परिवार को पूरा कर दिया उसी तरह आप हमारे पुत्र को भी हमारे पास वापस भेज दीजिए। हम पर कृपा करिए माँ, हमारा परिवार भी आप पूरा कर दीजिए, हमारे पुत्र को हमारे पास वापस लौटा दीजिए। यदि तुम्हारे पुत्र को लौटना होता तो अब तक आ चुका होता। नमस्ते। अरे बहन जी आप, वो मैं आपको ये बताने आई थी कि कल ना नवरात्रि की अंतिम तिथि नवमी है, जहाँ कन्याओं का पूजन करना आवश्यक है, तभी नवरात्रि व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सकता है। आप चिंता नहीं ना कीजिए बहन जी, हम गांव में जाकर सभी योग्य कन्याओं को नेवता दे देंगे। आपकी इस निष्ठा को देखकर माँ प्रसन्न ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका पुत्र अवश्य लौटेगा। वो इस संसार में जहाँ कहीं भी होगा आपकी स्मृति से वो यहाँ आपके पास अवश्य आएगा। किंतु मेरे होते हुए ये कभी संभव नहीं होगा, इनका पुत्र कभी नहीं लौटेगा। माँ, चलिए मैं चलती हूँ। जी नमस्ते। यदि पूजा सफल होने से इनके पुत्र के लौटने की तनिक भी संभावना है तो हम उस संभावना को ही नष्ट कर देंगे, इनकी पूजा को खंडित कर देंगे हम। बहन जी, इस बार हम भी अपने अतिथियों के साथ
नवरात्रि की व्रत कथा का आयोजन किए हैं और इसीलिए आप सबकी बेटियों को आमंत्रित करने आए हैं पूजन और भोजन के लिए। अरे शास्त्राइन, आपके घर से सुंदर आरती के स्वर तो हमें भी सुनाई देते हैं और भूख की सुगंध भी तो आती है। सत्य कहें तो वातावरण इतना पवित्र हो गया है कि आपके घर की दिव्यता का आनंद हम भी लेना चाहते हैं और हम अपनी कन्याओं को भोजन करने के लिए अवश्य भेजेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माँ भगवती का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे चलो भी, विलंब हो रहा है। सर्वनाश का घड़ा फोड़े हम ताकि आप सबको चेतावनी दे सके। अरे कैसी चेतावनी शकुंतला? अब अपने भाई भुजाई को तो तंत्र मंत्र से बचा नहीं पाए हम, पर आप सबके पास अब भी समय है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी पुत्रियां भोग के लिए जाएं और फिर कभी लौट कर ही ना आए। ये क्या कह रही हो तुम? संभावना को ही नष्ट कर रहे हैं, किसी भी अप्रिय संभावना को। अरे स्वयं सोच कर देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सबकी पुत्रियां होने के कारण उनके मन में ईर्ष्या हो और ये पूजा पाठ सिर्फ बहाना हो और तंत्र मंत्र करके वो आप सबके संतानों को आपसे दूर कर दे। वैसे भी आज तक तो नवरात्रि मनाई नहीं और इन अतिथियों के कहने पे सब कुछ किए चले जा रहे हैं। किसी को आभास भी नहीं है कि अतिथि कौन है, कहां से आए हैं। के कारण आप सबके जीवन में कोई भी समस्या आई तो बताइए क्या कीजिएगा आप सब। बात तो सही कह रही हो तुम, हमारे पुत्रों को कहीं कुछ हो गया तो। अब चेतावनी देना हमारा काम था, बाकी आप सब देख ही लीजिएगा। आज हम मां सिद्धिदात्री की कथा सुनने के बाद कन्या पूजन करके उन्हें भोग लगाएंगे, उसके बाद ही हमारा व्रत पूर्ण होगा। जी। जब कन्याएं आएंगी ही नहीं तो ना होगा कन्या पूजन और ना होगा व्रत पूरा। कितने तुच्छ विचारधारा है स्त्री की। यदि इसे अभी दंड नहीं दिया तो यह अपनी प्रवृत्ति कभी नहीं बदलेगी। बाकी तैयारियां बाद में होती रहेंगी, अभी हम कथा आरंभ करते हैं। सिद्धिदात्री, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली सर्वोच्च शक्ति है ये। इनके अनेक सिद्धियों के नाम है, अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, इषित्व या वशित्व, सर्वकाम वसाईता, सर्वज्ञत्व, दूरश्रवण, पराकाय प्रवेशन, वाक सिद्धि, कल्पवृक्षत्व, सृष्टि, संहारकरण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वन्यायकत्व, भावना और सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री ही इन सभी की जन्मदात्री है। ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात त्रिदेवों को भी उनकी सिद्धियाँ माँ सिद्धिदात्री की तपस्या करने के पश्चात ही प्राप्त हुई। अष्ट सिद्धि नौ
फल प्राप्त करे जो ध्याते दिवस और रात। नवरात्रि के अंतिम दिन अर्थात नौवे दिन हम इन्हीं की पूजा करते हैं। माँ का ये रूप स्त्री शक्ति की श्रेष्ठता को दर्शाता है। जो स्त्री पत्नी बनती, माँ बनती, समाज और देश के संकट हरने के लिए दुर्गा बनती, वही स्त्री इस संसार की वास्तविक शक्ति। इस समस्त संसार में जो भी शक्ति विद्यमान है उसकी स्रोत केवल और केवल स्त्री ही है। तब तो प्रभु मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि माँ का ये रूप संसार के सामने कैसे उजागर हुआ। माँ ने ये रूप संसार को ये संदेश देने के लिए प्रकट किया था कि स्त्री ही संसार की सर्वोच्च शक्ति है, इसलिए किसी को भी अपनी शक्ति के अहंकार में किसी भी स्त्री को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। बहुत समय पहले की बात, असुरों को पराजित करने वाले देवताओं को अहंकार आ गया था। वो स्वयं को सबसे अधिक शक्तिशाली समझने लगे थे। देवराज, महिषासुर के अंत के बाद सभी असुरों की दशा देखने योग्य है। सारे असुर पाताल लोक में रहने के लिए विवश हो चुके हैं। धर्म की रक्षा के लिए यह आवश्यक था वायुदेव। पृथ्वी पर अव्यक्त सुचारू रूप से चल रहा है और भविष्य के रूप में मिलने वाला आहार बिना किसी रुकावट के हमें निरंतर मिल रहा है। आगे भी मिलता रहेगा वरुण देव, सदैव, क्योंकि अब किसी असुर ने हमारे सामने शीश उठाने का दुस्साहस भी किया तो हमारा बाहुबल उसे ही नहीं समस्त असुर जाति को सूखे के पत्ते की तरह कुचल कर रख देगा। स्वर्ग पर सदा से हमारा अधिकार था, आज भी है और सदैव रहेगा। स्वर्ग पर सदा से हमारा अधिकार था, आज भी है और सदैव रहेगा। हमारी शक्ति के सामने कोई नहीं ठहर सकता, कोई नहीं, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक शक्तिशाली हम हैं। हम देवता हैं सबसे अधिक शक्तिशाली, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक शक्तिशाली हम हैं। हम देवता हैं सबसे अधिक शक्तिशाली। देवराज और अन्य देवताओं को शक्ति का अभिमान हो रहा है। वो भूल रहे हैं कि अभिमान तामसिक दोष है और पतन का कारण बन जाता है। पर यदि ऐसा हुआ तो संसार धर्म संकट में पड़ जाएगा। मुझे उनका अभिमान तोड़ना होगा। वाह, अद्भुत। ये प्रकाश कहां से आ रहा है? सूर्य से भी तीव्र है ये प्रकाश। इसको सहन कर पाना तो मेरे लिए भी कठिन है। देवराज, ये प्रकाशपुंज तो स्वर्ग द्वार से आ रहा है। क्या है ये? कहां से आया और क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से कोई असुर तपस्या करके शक्ति अर्जित करने का प्रयास कर रहा है? यदि ऐसा हुआ तो देवराज, स्वर्ग पर फिर से संकट आ सकता है। तो जाइए वायुदेव, शीघ्र गति से जाइए और पता लगाइए इसकी उपस्थिति का कारण का भी और उद्देश्य का भी। जाइए। जो आज्ञा।
हो तुम? उत्तर दो शक्तिपुंज, और किसकी शक्ति से संचालित हो? मैंने पूछा कौन हो तुम? मैंने पूछा कौन हो तुम? मैंने पूछा कौन हो तुम? पहले तुम बताओ तुम कौन हो? मेरे स्वर से कंपन कर रहे संसार को देखकर भी तुम्हें मेरा परिचय नहीं मिला? वायुदेव, वायुदेव हूं मैं। संसार के प्राण बसते हैं मुझ में। मैं चाहूं तो बड़े से बड़े नगर को पल भर में उड़ाकर मिट्टी के ढेर में बदल सकता हूं। मैंने पूछा अपना परिचय दो, कौन हो तुम? और इस तरह हंसकर मेरा उपहास उड़ाने का क्या अर्थ है? उपहास मैं नहीं, आप कर रहे हैं वायुदेव। एक पत्ते तक को उड़ाने की शक्ति नहीं है आप में, और बड़े बड़े नगर को उड़ाने की बात कर रहे हैं। स्त्री, यदि आप सत्य ही शक्तिशाली हैं, तो इस पत्ते को इस स्थान से हटाकर दिखाइए। स्त्री, क्या सचमुच आज तक तुमने मेरे विषय में नहीं सुना? वायु हूं मैं, वायुदेव। और रही बात तुम्हारे इस पत्ते की, तो इस साधारण से पत्ते को उड़ाने के लिए तो मेरी आधी श्वास ही पर्याप्त है। बस बात ही करेंगे या अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करेंगे वायुदेव? चुनौती, चुनौती और मुझे, वायुदेव को। तो हे स्त्री, देखो अपने इस साधारण से पत्ते की दशा। थोड़ी शक्ति और लगाकर दिखाइए। ये पत्ता अपने स्थान से हिल क्यों नहीं रहा है? बस इतनी ही शक्ति वायुदेव? एक बार और प्रयास करके देखो। ये क्या, पत्ते का आकार तो बढ़ता ही जा रहा है। ये क्या हो गया? और ये स्त्री कौन है? कौन है ये स्त्री? वायुदेव अपनी शक्ति का इतना भीषण प्रयोग कर रहे हैं, पर इस तेज पुंज का प्रकाश तो कम होने के स्थान पे बढ़ता ही जा रहा है। जितना पहले सोचा था, समस्या उससे अधिक गंभीर है। अब मुझे ही जाकर देखना होगा। अग्निदेव, वरुण देव, वायुदेव, चलिए आप सब अपनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करके देख लीजिए। शक्ति का अहंकार विनाश ही लाता है। अब तुम देवताओं के अहंकार का अंत करूंगी मैं, और शक्ति का सच्चा स्वरूप क्या है ये तुम्हें ज्ञात कराऊंगी।